हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बेबी माइलस्टोन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि बेबी टीथिंग के बारे में। अगर आप एक न्यू पेरेंट है, आपके पास एक न्यू बेबी है जो कि अराउंड 5-6 मंथ्स का हो गया है, तो बस अब आपके लिए बस इंतज़ार है आपको कि बच्चे के कब दांत आएंगे और कब वो क्यूट सा फेस बनाएगा, हंसेगा, खाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन ये जो एक्साइटमेंट है, इसके साथ में थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि टीथिंग एक पेनफुल प्रोसेस होता है बेबी के लिए। बेबी को बहुत सारे डिस्कम्फर्ट आते हैं, और जब बेबी परेशान होता है तो एज अ पेरेंट हम भी परेशान होते हैं। तो आप क्या सिम्टम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या कुछ ऐसे ट्रिक्स या टिप्स आप फॉलो कर सकते हो जिससे बेबी को बहुत ही आराम मिले, तो ये सारे ही टॉपिक्स पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चंस ये थे कि हमारा बेबी 10 मंथ्स का हो गया, 11 मंथ्स का हो गया, बट अभी तक उसके एक भी दांत नहीं आए हैं, अभी हम क्या करें, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हम आज के वीडियो में, आप लोगों के जो भी कमेंट्स हमेशा आते रहते हैं उनको भी मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, बेबी केयर एंड मॉमी केयर रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, टीथिंग एक जो नेचुरल प्रोसेस है बेबी का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो कि 5 मंथ्स से लेकर के 8-9 मंथ्स तक में बच्चों का स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बहुत सारे बच्चों का जो टीथिंग है वो थोड़ा सा लेट प्रोसेस होता है, 10 मंथ्स, 12 मंथ्स। इवन मेरे डॉक्टर ने बोला था कि 18 मंथ्स तक भी बच्चों के जो अगर दांत आ जाते हैं तो ये नॉर्मल है। कुछ बच्चों के जल्दी दांत आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं, इसलिए कोई ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं कि 10 मंथ्स अगर हो गए हैं, 11 मंथ्स अगर हो गए हैं, बच्चे के एक भी दांत नहीं आए हैं तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो बच्चों के जो गम्स होते हैं वो थोड़े से स्वोलन हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि प्रोसेस जो है नेचुरली वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इरप्शन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बच्चा टू बच्चा वो डिफर करता है कि कब बच्चे के दांत आएंगे। ऐसा भी कहते हैं कि जितना लेट बच्चे के दांत आते हैं ना, मतलब वो अगर वॉक करने लग जाता है और फिर दांत आना शुरू होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो जाता है और जल्दी जल्दी अच्छे से जो दांत हैं वो आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके बेबी की एज जो है वो 10 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स भी अगर हो गई और एक भी दांत नहीं आया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बस ये चेक कर लेना कि उसके जो गम्स हैं वो स्वॉलन हो गए हैं कि नहीं, अभी वैसे ही जैसे वो न्यूबॉर्न था वैसे ही गम्स हैं, तो फिर आप डॉक्टर को दिखा लो। अदरवाइज जनरली इतने 1 साल तक के बच्चों के गम्स जो है ना वो काफ़ी स्वॉलन एंड हार्ड हो जाते हैं, और इन जनरल 12 मंथ्स तक 1 या 2 दांत जो है वो आना शुरू भी हो जाते हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट बेबी की बात करूं तो उसका पहला दांत 5 या 6 मंथ में आ गया था, लेकिन जो मेरा सेकेंड बेबी है उसका पहला दांत जो पहला क्या इकट्ठे उसके 2 या 4 दांत एक साथ ही आए थे जब वो 10 मंथ्स का था, 10 मंथ्स उसने कंप्लीट कर लिए थे, तो उसके लेट आए थे। और तभी मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि 18 मंथ्स तक भी अगर 1-2 दांत आते हैं तो भी नॉर्मल है। कुछ बच्चों के इकट्ठे 4 दांत आ जाते हैं, कुछ के 1-1 करके आते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, और अगर ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो एक बार अपने बेबी के डॉक्टर को ज़रूर से दिखा लीजिए। बट इन जनरल बच्चों के जो दांत हैं वो 18 महीने तक भी आते हैं। तो ये तो हो गया कि दांत आना कब है। अब सिम्टम्स क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अचानक बच्चे ने खाना खाना छोड़ दिया, अचानक वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहने लग गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है टीथिंग का। टीथिंग में सबसे पहले जो बच्चों के गम्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, उनको पेन होता है, जिसकी वजह से वो रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि और कोई सिम्टम नहीं, और कोई प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही है, फिर भी वो चिड़चिड़ कर रहा है, तो मे बी बच्चा जो है उसको टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। टीथिंग के सिम्टम है कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बैठे बैठे अचानक से वो खेल रहा है और अचानक से भी वो रोने लग सकता है, ऐसा हो सकता है। तो टीथिंग पेन होता है, मसूड़े फट रहे होते हैं, दांत निकल रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है। समटाइम्स आपको यहाँ पर इतना रेड रेड भी दिखेगा, जब गम्स जो दांत है वो निकलने वाले होते हैं तो गम्स जो है ना वो थोड़े से रेडी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे ब्लीडिंग हो रहे हैं, एक्चुअली में ब्लीडिंग नहीं होती, बट ऐसा लगता है इतना लाल हो जाता है। तो घबराना या टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रेड रेड सा दिखने लगे, तो ऐसा नहीं है कि कुछ उसको चोट लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो दांत निकलने के पहले जो मसूड़ा फटता है ना तो वो रेड रेड सा हो जाता है, तो ये पेन का एक सिम्टम हो सकता है जिसकी वजह से बच्चा रोता है। उसके अलावा जब आप ये गम्स को आप देखोगे ना हाथ लगा करके या वैसे भी देखोगे तो वो जैसे मटर के दाने नहीं होते हैं वैसे, वो फूल जाता है काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे नज़दीक आता है इरप्शन वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है। स्टार्टिंग में हल्का हल्का हार्ड हार्ड सा आपको मसूड़ा जो है बच्चों के गम्स जो है वो हार्ड हार्ड से आप जब उस पर हाथ रखोगे तो आपको हार्डनेस फील होगी, स्वेलिंग फील होगी, तो स्वेलन गम्स जो होते हैं वो हो जाते हैं बच्चों के जब दांत आने वाले होते हैं। उसके अलावा बच्चा खाना पीना एकदम छोड़ देता है, उसको कुछ भी चबाने का मन नहीं करता है, खाने के रेफरेंस में बोल रही हूँ, कुछ भी
भी खाने का मन नहीं करता क्योंकि अगेन उसको दर्द हो रहा होता है, तो जब दर्द में कोई भी होता है तो उसको खाने पीने का मन नहीं होता है, तो सडनली वो खाना बिल्कुल ही छोड़ दे, कोई भी चीज़ खाने में इंटरेस्टेड ना रहे, तो वो भी एक कारण है कि टीथिंग प्रोसेस में हो रहा है, उसको टीथिंग हो रही है जिसकी वजह से उसका खाने पर से पीने पर से मन हट चुका है। उसके अलावा बच्चा रात में सो रहा है, सोते सोते अचानक से बहुत जोर से रोने लग जाए, उसकी नींद जो है वो बार बार ब्रेक हो, एक लंबी स्लीप वो नहीं ले रहा है, तो ये भी एक टीथिंग सिम्टम ही है क्योंकि बच्चों को अचानक से रात में भी सोते टाइम भी दर्द होता है और वो अचानक से उठ करके रोने लग जाते हैं। तो टीथिंग का जो एकदम जब इरप्शन नज़दीक होता है, दांत एकदम निकलने वाले होते हैं, तो वहाँ 10 दिन जो रहते हैं निकलने के, 10 दिन पहले तक बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी वजह से आपको भी परेशानी होती है। हर एक चीज़ को मुंह में डालना, आप अगर उंगली लगा दो तो इतनी तेज़ वो दबाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली पे कट आ गया है। कोई भी चीज़ उनके आसपास अगर हो रही है, चम्मच है, टॉयज़ है, ये कुछ भी उनको हाथ में मिलता है, वो सीधे अपने मुंह में डाल के ऐसे ऐसे मतलब मिसमिसी सी उनको आने लगती है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिम्टम है टीथिंग का। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं बच्चे के साथ में, तो ये सब कुछ टीथिंग की वजह से हो रहा है, इसका और कोई कारण नहीं हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बच्चों को ना ड्रूलिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब सलाइवा मुँह से बहुत ज़्यादा निकलता रहता है, जिसकी वजह से उनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है, मतलब अपसेट स्टमक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं इतना ज़्यादा थूक जो मुंह में निकलता है ना वो स्वालो भी कर लेते हैं और उसकी वजह से उनको पेट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार उनको लूज मोशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा भी लूज मोशन का एक और कारण भी होता है कि बच्चे हर एक चीज़ जो आसपास होती है उसको मुंह में डालते हैं, तो जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, जिसकी वजह से अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम बच्चों को अक्सर हो जाती है। और ऐसे में आपको रखना है ध्यान कि बहुत ज़्यादा बच्चे पानी पीते रहे, डिहाइड्रेशन की उनको प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना हो सके चीज़ें जो है बार बार उनको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फिर बच्चों को आप दे सकते हो, तो वो चीज़ें हैं। और ड्रूलिंग की वजह से एक और प्रॉब्लम होती है कि माउथ के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर आपको रैशेज जैसे फील हो सकते हैं, रेड रेड रैशेज हो सकते हैं, जो अपने आप ही मतलब ऐसे जैसे ड्रूलिंग की प्रोसेस थोड़ी सी कम होती है तो अपने आप ही वो सही भी हो जाते हैं, तो उस पर आपको कुछ लगाने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस वॉश करके अच्छे से क्लीन करते रहो, थोड़ा सा हाइजीन का मेंटेनेंस करना पड़ता है, बाकी वो ड्रूलिंग के लिए कुछ नहीं आपको लगाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे रेड रेड से दाने हो जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टीथिंग के टाइम पे होते हैं और ड्रूलिंग की वजह से होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आपके बच्चे को टीथिंग होती है तो, एंड आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हो जिससे कि बच्चे को आराम मिलेगा। सबसे पहली चीज़ कि अपने बच्चे के जो गम्स हैं उनकी मसाज आप ज़रूर करते रहे, अपने चाहो तो फिंगर्स को अच्छे से वॉश करके और दिन में 2 से 3 बार आप उनका जो गम्स है उस पर हल्का सा मसाज दोगे तो उनको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, और नहीं कुछ तरह से वॉश करके अपनी उंगली दे दी तो वो थोड़ी देर तक आपकी उंगली को च्यू करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट होती है उंगली इसलिए। दूसरी चीज़ कि आप उनको कुछ चिल्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी ऐसी चीज़ जो ठंडी हो और हार्ड हो थोड़ी सी, ताकि वो उस पर अपने दांतों की मसाज कर सके खुद से, तो वो आप दे सकते हो। जनरली क्या है कि आप कोई कपड़ा जो है सॉफ्ट अच्छा सा कपड़ा, अगर आप मसलिन क्लोथ क्लीन होना चाहिए, उसको अच्छे से फ्रिज में रख के थोड़ा सा आप वो दे सकते हो। चम्मच जो आती है स्टील की सेफ होनी चाहिए, मतलब हार्म ना करे बच्चों को, वो आप दे सकते हो, थोड़ा सा ठंडा करके दे दो, थोड़ी ज़्यादा देर तक वो ठंडी भी रहती है और सेफ भी रहती है, तो वो आप दे सकते हो। नहीं तो बहुत सारे टीदर या टीदिंग रिंग्स आते हैं, वो आप दे सकते हो, जेल वाले भी आते हैं और हार्ड वाले भी आते हैं टीदर्स, उनको आप थोड़ा सा ठंडा करके वो भी बच्चे को दे सकते हो, और वैसे भी आप दे सकते हो सिलिकॉन वाले होते हैं, बट जनरली क्या होता है मैंने ऐसा नोटिस किया कि बच्चे जो होते हैं ना उनका सिलिकॉन का टीदर आप देते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करते हैं, इधर उधर की चीज़ें यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने आपको सजेशन दिया कि आप जो चम्मच है उसको ठंडा करके दे सकते हो, तो वो आप दे सकते हो। उसके अलावा जैसे गाजर है या कैरेट्स, खीरा है, क्यूकम्बर है, उसको आप हल्का सा स्लाइस करके थोड़ा सा स्टीम करके वो भी आप बच्चों को दे सकते हो, उसको भी आप चाहो तो थोड़ा सा ठंडा कर दो और फिर आप दे दो, आपके बच्चे की एज कितनी है उसके हिसाब से, ताकि चोकिंग वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। जनरली क्या होता है बच्चे के जो गम्स होते हैं ना हार्ड हो जाते हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे उसको काटेंगे तो च्यू भी वो कर लेते हैं, हमें लगता है कि दांत तो आए नहीं तो खाएंगे कैसे, बट गम्स इतने हार्ड होते हैं कि आराम से च्यूइंग प्रोसेस हो जाती है, बट थोड़ा सा सुपरविजन भी आप रखते रहो स्टार्टिंग में, स्पेशली जब बच्चे को आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो देना, अगर बच्चा उसका यूज हो जाता है ना तो उसे पता होता है कि अगर उसने काट लिया है गाजर स्टीम्ड कैरेट को कट कर लिया है मुंह में तो वो च्यू करके खा लेगा, चोकिंग नहीं होती, बट स्टार्टिंग के डेज में थोड़ा सा आपको उसको प्रैक्टिस करवानी होती है, तो आप इस तरीके से मसाज कर सकते हो। उसके अलावा ना बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या है उस टाइम पे वीकनेस और थकावट फील होती है, दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो थोड़ा बहुत वंस इन अ वाइल आप उनको थोड़ा सा जो बच्चों का पैरासिटामोल आता है अकैल्पॉल वगैरह, वो भी आप एक दो ड्रॉप्स जो है वो दे सकते हो, ताकि उनको थोड़ा सा पेन में आराम मिले, अगर बहुत ज़्यादा क्रैंकी बच्चा हो रहा है तो।
एंड उनको अच्छे से मसाज दीजिए, स्पेशली हेड मसाज जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में भी बच्चों को दर्द होने लगता है टीदिंग की वजह से। ब्रेस्ट फीड अगर आप कराते हो तो ब्रेस्ट फीड आप ज़्यादा से ज़्यादा कराओ। उससे दो तीन चीज़ें होती है, एक तो बच्चे को कम्फर्ट मिलता है, उसको सिक्योरिटी फील होती है, दूसरा कि वो कुछ खाता पीता नहीं है, खाना पीना छोड़ देता है तो ब्रेस्ट मिल्क से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है उस टाइम पर। एंड तीसरी चीज़ यह है कि बच्चे को रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, डिहाइड्रेशन ना उस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो सारी ही चीज़ें जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हो तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। और जो प्रोसेस है ना टीदिंग की, ये काफ़ी फास्ट हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है, इसलिए जितना हो सके बच्चे को अपने साथ रखे। जनरली क्या होता है, हफ्ता 10 दिन का प्रोसेस इतना होता है ना कि बच्चे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ रहे, और जितना वो सोएंगे उतना ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा। इसलिए सारे काम धाम जो है ना उनको साइड करके बच्चे को वो हफ्ता 10 दिन जो भी है वो आप दीजिए, 7 to 10 days में ये प्रॉब्लम जो है वो सबसाइड हो जाती है। तो आप उनको हग करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखें, उनको ब्रेस्ट फीड कराएं, उनको कंफर्ट देने की कोशिश करें। उसके अलावा आप बच्चों को पैसिफायर्स दे सकते हो, निबलर्स दे सकते हो। निबलर जो होता है ना, पैसिफायर तो आप ऐसे दे दोगे उनको च्यू करने के लिए वो रहता है, और जो निबलर रहते हैं उनके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह डाल करके उनको दे दो, तो वो उससे क्या है कि खाते भी रहेंगे और थोड़ा सा चबाते भी रहेंगे। मतलब जो निबलर रहता है ना आगे से सॉफ्ट पैसिफायर जैसा होता है, बट उसके अंदर आप फ्रूट्स वगैरह डाल करके बच्चे को दे सकते हो, तो वो कुछ कुछ खाते भी रहेंगे, उनको टेस्ट भी आएगा और उनकी मसाज भी होती रहेगी गम्स की। तो अच्छे क्वालिटी के टीदर, निबलर और जो पैसिफायर है, इन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बेबी केयर नाम से आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आप सारे ही यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो वहां से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा खाने पीने में आप कुछ ऐसी चीजें दीजिए जिनमें कि कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो, और जो सप्लीमेंट्स डॉक्टर देते हैं टीदिंग के टाइम पे, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब चीजें आप जरूर से बच्चे को दीजिए। इससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है, दांत जितना जल्दी निकल जाएंगे तो आराम मिल जाएगा उनको, ये जो डिफिकल्ट प्रोसेस है शॉर्ट हो जाएगी। उसके अलावा एक होम्योपैथी मेडिसिन भी आती है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। 2 tablets आपको दिन में 3 to 4 times देना होता है बच्चों को, और वो काफी हेल्प करती है जो भी टीदिंग सिम्टम्स है उसको सबसाइड करने में, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। एंड उसके अलावा जब भी बच्चे को बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, वो परेशान हो रहा हो, तो आप उसके साथ खेलना, उसका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, क्योंकि कितनी देर तक आप एक ही चीज बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं कर सकते, तो कभी उसको रेस्ट करवा दीजिए, कभी ब्रेस्ट फीड करा दीजिए, और कभी उसके साथ में खेल लीजिए, उसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट करिए, और उसको बाहर घुमाने लेके जाइए, जो भी जिससे भी उसका मन जो है ना वो थोड़ा सा उसका जो पेनफुल प्रोसेस है उससे हट करके किसी और चीजों में लगे, इसके लिए आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो। खाने में आप जैसे दही है, आप दही ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, उससे पेट भी बच्चों का अच्छा रहता है और कैल्शियम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो दही दे सकते हो, साबुदाना दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, और ऐसा फूड दो जो कि थोड़ा सा टेक्सचर्ड हो, मतलब मैश करके बनाना दे सकते हो, या फिर घर में जैसे रोटी का टुकड़ा है वो आप दे सकते हो, या घर में ऐसे छोटा सा बिस्किट या पपड़ी टाइप का हम जो घर में बनाते हैं आप वो भी बना करके बच्चों को ऑफर कर सकते हो, तो उससे क्या है कि वो चबाते रहेंगे और धीरे धीरे वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसको वो बच्चे खा भी लेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें आप बच्चों की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है टीदिंग के ऊपर जिनमें बहुत सारी रेसिपीज भी मैं धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ, कर चुकी हूँ कुछ और आगे भी और करती रहूंगी, तो आप वहां से चेक करके कुछ रेसिपीज भी बना करके आप बच्चों को दे सकते हो। लेकिन अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो ही जा रही है, एकदम ही आराम नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फीवर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और वो मेडिकेशन आपको देंगे जिससे कि प्रॉब्लम वर्स ना हो, जो भी प्रॉब्लम है वो उतने में कम होके खत्म हो जाए। कभी कभी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बट डॉक्टर से ज़रूर विजिट कर लीजिए और जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं उसको फॉलो कर लीजिए। तो आई होप कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।